तो रहन तो नहीं बना रहे वीडियो, क्या हुआ सानिया दिखाओ बेटा। अरे बोलो तो क्या हुआ? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं दोपहर में शुरू कर रहा हूँ। गाइस टाइम देखिए अभी हो रहा है 2:01। सो गाइस आज हमारी एक कंपनी की गर्ल्स का ग्रुप डांस है हमारे यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मंदिर है तुमन मंदिर वहाँ पे। उसी के बहुत सारे काम थे, इसलिए मैं सुबह से व्यस्त था। फिर मैंने ब्लॉग सोचा कि मैं दोपहर से स्टार्ट करता हूँ और आज आप लोग को सब कुछ दिखाना है हम लोग का। अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे गाइज, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे डांसर आएंगे, बहुत सभी लोग आएंगे, मतलब सभी डांसर आएंगे और भी बहुत सारे पहचान के लोग आएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज। इसलिए मैंने सोचा था कि दोपहर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर सुबह से स्टार्ट करते हैं तो लोग गाइज बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो मतलब मज़ा नहीं आता, मतलब 15-20 मिनट पर पहुँच जाता वो, फिर मज़ा नहीं आता। तो गाइज अभी चल रहे हैं हम क्लास पे और गाइज देखिए हमारा बैग रेडी है और रूम में थोड़ा सा फैलान है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में निकल रहा हूँ गाइस। अभी क्लास पे सब बच्चे पहुँच चुके हैं, ग्रुप के सब बच्चे पहुँच चुके हैं। बाकी गाइस आज भी डांस है तमाम मंदिर पे और कल भी है, तो आज का जो डांस है वो सिर्फ अपने ग्रुप डांस है और कल हमारी क्लास का जो किड्स वाले बच्चे हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन सभी का है और अपने ग्रुप का भी है और एक और बच्ची सोम में है उसका है। तो मतलब आज और कल दोनों दिन परफॉर्मेंस होंगे और दोनों दिन बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। बाकी चलते हैं गाइस सीधे भी क्लास। तो मम्मी आप आओगे आज देखने? हाँ ठीक है, मैं जा रहे हैं, हम क्लास जा रहे हैं, ठीक है बाय। तो गाइस मोती को देखो, अब मोती भाई को भी मेरे साथ जाना है। गाइस अभी मोती से जो भी कहेंगे वो करेगा। हैंडशेक मोती, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, देख रहे हैं गाइस कितनी बात मानता है मोती, देखो। देखो ये अपने हाथ से खोल रहे हैं, खोल लो ये देखो। एक बार घर से बाहर, उसके बाद ही किसी की नहीं सुनता। हाँ तो गाइस अभी हम क्लास पहुंच चुके हैं, ये सभी लोग अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद। जय हो भगवान जी की। नमस्ते, गद्दा रख के क्या कर रहे हो? अरे वाह गाइस, इन लोगों को पहले से पता है कि गद्दे हो सकते हैं स्टेज पे, क्योंकि ललितपुर में ज़्यादातर गद्दे का ही स्टेज होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या कर रहे हो बेटा, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयार हो आज के लिए? आज ही है ना, रेडी हो आज परफॉर्म करने के लिए? गाइस ये देखो, ये हमेशा अकेले खाते ही मिलता है ज़्यादातर। भाई क्या कर रहे हो? देखो मैम से भी नहीं पूछा भाई, मुझसे ही पूछ लेता यार एक बार, सर आप आ रहे तो साथ में खा लेंगे। देखो भाई अब उसे लग रहा है सर कब जाएं और कब हम खाएं। दिखाओगे तुम लोग तो फिर? तो भाई देखो ये कितने लेट आ रहे हैं, अभी लाए कब आए? अच्छा तो गाइस अभी देखिए टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं और अभी सभी बच्चे देखिए रेडी हो रहे हैं। गाइस इन लोगों को अभी
ढाई घंटे होंगे रेडी होने में। इन लोगों का ऐसा मतलब है, मेकअप वगैरह ऐसा है और हेयर स्टाइल वगैरह ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसमें। सो बेटा आज का तो ऑफ है आपका, पापा चले गए क्या, है ना? हाँ चल तो आप बताते पापा को आज का ऑफ है बेटा, आज परफॉर्म है। आज मेरे पापा है नहीं। कौन आया? मेरी मम्मी आई थी। कहाँ है? मेरे पापा, मेरी मम्मी आई थी, मुझे नहीं। नंबर है उनका? हाँ। तो गाइस ये इसका डायलॉग है, हम लोग महादेव के ऊपर कर रहे हैं पूरा एक, हम लोग कॉन्सेप्ट रख रहे हैं कैसा। हाँ आज की छुट्टी है गाइस, एक तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि आज छुट्टी थी और वो सब लोग आ रहे हैं और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि बच्चे आ रहे हैं फिर बच्चे यहाँ पे हैं और बच्चों को घर भी छोड़वाना है और हम लोगों के परफॉर्म के लिए 50 मिनट बचे हैं अभी, और इतने में अभी हम लोग खाना भी खाना है, प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे बच्चों के लिए कार लेके आनी है क्योंकि यहाँ से कार से आएंगे क्योंकि लोग अब कॉस्ट्यूम वगैरह पहने होंगे तो यहाँ से जाना हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहेगा टैक्सी वगैरह से, तो फिर कार से जाते बेस्ट रहेगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अब, टाइम भी कितना हो गया गाइस देखिए, ओनली 50 मिनट ही बचे हैं। गाइस ये देखिए कितने सारे आम लगे हैं और ये देखिए कितना नीचे है। दीदी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं आम, इस बार कम हुए पिछली बार से कम हुए वैसे ना। तो गाइस चाबी मिल गई है, अभी चलते हैं सीधे क्लास। तो गाइस देखिए गाड़ी यहाँ पे रख दी है, क्लास के पास में ही है, सो जैसे ही सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे सो उनको लेके आएंगे यहाँ पे और गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे सीधे तुमन मंदिर। गाइस मैंने इसलिए पहले से गाड़ी ले कर रख दी मैंने क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हो सकते हैं क्योंकि ये लोग मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो गाइस ये देखिए ये लोग रेडी हो चुके हैं, आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं ये रेडियो परफॉर्म करने के लिए। क्या करने वाले हो वहां पे? तुम लोग रेडी हो? यस सर। एनर्जी कम लग रही है लड़कियों की तुमसे ज्यादा है, रेडियो? यस सर। तो बस चलते हैं धूम मचाते हैं ठीक है ना। तो गाइस अभी देखिए हम सभी लोग जा रहे हैं, ये अपनी टीम, हेलो कर दो। गाइस देखिए पानी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा बट शायद नहीं आए, ऊपर वाली कृपा हो जाए। अपन को तो आए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस ये देखिए सब लोग पहुंच चुके हैं, तो गाइस ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, तैयार हो? आप ब्लेसिंग दीजिए कि हम लोग का डांस शो हो मतलब। वो हमेशा रहेगी फुल सपोर्ट, आ जाओ। क्या बात है, वीडियो है मैम, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और पहलवान क्या हाल है, ब्लॉग है, हाय कर लो। ये हमारे विक्की भैया हैं, ये मोनू भाई है, क्या अरे तो गाइस बस एक परफॉर्म के बाद हमारे ग्रुप का परफॉर्म है, तो हमारी टीम रेडी है अंदर है और गाइस क्राउड देखिए। तो गाइज़ अभी हमारे ग्रुप का भी डांस स्टार्ट हो गया है और गाइज़ ये पूरा डांस मैं नहीं डाल पाऊँगा इस वाले ब्लॉग में क्योंकि गाइज़ वो कॉपीराइट का दिक्कत होता है, तो आप लोग डांस वाले चैनल पे देख सकते हैं, उसमें मैं शॉर्ट्स में डालूंगा टुकड़े टुकड़े में, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके। तो गाइज़ में देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा इस डांस में, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये
अलग ही लेवल पे जाने वाला है गाइस। सो देखिए, थोड़ा वेट करिए, बहुत जल्द यूट्यूब पे आएगा, जानता हूँ डांस वाले चैनल पे आएगा। तो गाइस, इन लोगों का परफॉर्म हो चुका है और इन लोगों ने बहुत मस्त किया है। रियल में गाइस बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इन लोगों ने, मजा आ गया। अभी हमारा ग्रुप अब सबके डांस देखेगा, यहाँ पे जितने भी परफॉर्म होने हैं तो देखते हैं ना। तो गाइस ये देखिए, सब लोग आए हैं आज, सभी के मतलब पेरेंट्स आए हैं हमारे। ये देखिए पापा हैं, मम्मी हैं, दादा हैं, सभी के पेरेंट्स आए हैं। देखो मोंटी की मम्मी हैं, आध्या के मम्मी पापा, सभी के आए हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं बस। ये देखो इधर, तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलो बेटा चलते हैं, टाइम हो चुका है। आमंत्रित करते हैं, हो गए हैं, सभी को घर पे छोड़ना है। सो गाइस जाना पड़ेगा, वैसे मन तो बहुत है देखने का बट अब जाना पड़ेगा। सो चलते हैं, राजी नमस्ते, चलते हैं शिव सहाय तिवारी की ओर से मम्मी भी ये पुरस्कार राशि आई है, जाते हैं 201 रुपए की। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया था, एक ये लड़की थी शायद, एक तुम थे, बहुत बढ़िया। तुम लोगों की कोर में बहुत स्ट्रेंथ है, हैंड में बहुत पावर है, बहुत आगे जाओगे, ऐसे ही लगे रहो, बस लगे रहो। और ये वीडियो हम डालेंगे, देखना, बहुत बढ़िया। तो गाइस बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, चलते हैं। इच्छा तो है यहाँ पे रुकने की बट अब जाना पड़ेगा। तो जय हो बमराज की, बट जाना पड़ेगा सबको, टाइम से छोड़ना है। तो चलते हैं गाइस, अब क्लास चल रहे हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, क्लास पे खाना रखा है, फिर चलते हैं सबको घर पे छोड़ने। आ जाओ राजीव, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तुमन सरकार की जय, तुमन सरकार की जय। भगवान बचा लियो, वो 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 ये आ गई नीचे। तो गाइस सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सो भी मैं रास्ते में जा रहा था, सो इसलिए मैं फेमस मिठाई लेके जा रहा हूँ, तो जब बच्चे खाएंगे तो और अच्छा लगेगा उन्हें। मिठाई ले लिए, चलते हैं क्लास। करा लिया, रैन तो नहीं बना रहे वीडियो, क्या हुआ सानिया, दिखाओ बेटा। अरे बोलो तो क्या हुआ, ये देखो गाइस, लगाने में इतना टाइम लगा और निकालने में उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। लोगों को लगता है मतलब, बट गाइस स्ट्रगल देखो, ये मेकअप निकालने में कितना पानी बदला है। तो गाइज अभी हम सभी लोग खाना खा रहे हैं, गाइज हम लोग का दोपहर का खाना है, हम लोगों ने दोपहर में मंगाया था। तो गाइज खाना पीना हो गया है और अभी चलते हैं, सभी को छोड़ना है। सो गाइज सभी को छोड़ते हैं, फिर मुझे घर पे जाना है। गाइज टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 10:12 हो चुके हैं गाइज। सो चलते हैं स्पीड, सबकी छोड़ते हैं, सब लोग बाय कर लो, क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं स्पीड से छोड़ूंगा।